भारत की राजधानी होने के बावजूद भी दिल्ली और दिल्ली के निवासी आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। ऐसी ही एक समस्या की बात करें तो वो है पीने का पानी। कुछ जगह पीने का पानी बहुत गंदा आ रहा है और कुछ जगह तो ये पानी आता ही नहीं। आज हम बात करेंगे नजफगढ़ में ढासे स्टैंड के आसपास के लोगों की, जहां पर पिछले 2 से 3 महीने के अंदर पानी ही नहीं आया है। भाई 2 महीने से ऊपर हो गया हमारे यहाँ, ये ढासा स्टैंड से और दबदबा स्टैंड के बीच में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। उधर MCD ऑफिस में भी नहीं आ रहा, फायर ब्रिगेड में भी नहीं आ रहा। ढासा स्टैंड से इधर दबदबा स्टैंड तक कहीं भी पानी नहीं आ रहा, 2 महीने से ऊपर हो गया। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो पानी ना आने का कारण मेट्रो का काम था, जो कि अब पूरा हो चुका है। मेट्रो का काम पूरा होने के बावजूद भी पानी नहीं आया है। कभी कहते हैं कि अपना जो खैरा मोड़ पे मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट जब धस गई थी उसकी वजह से नहीं आया, वो भी ठीक हो चुकी है। फिर उसके बाद कहते हैं हमें वाल नहीं मिल रहा है, कोई मंजीत का नंबर देता है, कोई किसी अधिकारी का नंबर देता है, किसी का, तो हमारी समस्या का समाधान अब तक हुआ नहीं है। कहते 1 हफ्ते में आ जाएगा, कभी कहते 2 दिन में आ जाएगा। अब भी आज भी बात हुई है फोन पे, वो कह रहा है भैया इंजीनियर से बात करके शाम को आपको बताता हूँ आएगा कब आएगा। इस विषय में जब संबंधित अधिकारियों से संपर्क साधा जाता है तो उनका जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल, ये बोलते हैं कि आप सर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, गर्मी है, गर्मी का समय है, पानी नहीं आ रहा, टैंकर मंगवा लीजिए, हम इतना कर सकते हैं। पानी नहीं आ रहा तो टैंकर मंगवा लो, ये कैसा समाधान है? इवन इनको ये भी नहीं पता कि दिल्ली जल बोर्ड को करना है या NNWS को करना है। यहाँ के निवासी या तो पानी को खरीद कर पिए या बोरिंग के पानी को पीकर गुजारा करें। यहाँ का जो आवाम है वो जो भी पानी है बोरिंग का या जो भी, इतना साफ नहीं होता, उससे डायरिया, टाइफाइड वगैरह अनेक बीमारियाँ हो जाती है। फ्री पानी का वादा करने वाली दिल्ली सरकार को BJP के वरिष्ठ नेता हरिंदर सिंगल ने आड़े हाथ लिया। जब से मेट्रो के कारण से लाइन में कोई फॉल्ट आया और सब जगह का पानी आ गया, लेकिन इन लोगों को पानी आज तक मैसर नहीं हुआ, जबकि विधायक यहाँ से मुश्किल से 0.5 किलोमीटर के दूरी पर उसका दफ्तर है। तो ये कितनी बड़ी अकर्मण्यता है दिल्ली सरकार के पार्ट पर और क्षेत्रीय विधायक के दायित्व पर कि यहाँ 2-2 महीने से लोग दिल्ली की आबादी के अंदर जो ऑथोराइज कनेक्शन वाले हैं, जो वेल एस्टेब्लिश एरिया है, बिल्कुल मेन रोड का एरिया है, वहाँ के लोगों को पानी मैसर नहीं हो रहा, तो कैसे 2-2 महीने से अपने घरों के लोगों को पानी पिलाएं, बच्चों को पानी पिलाएं। साहब फ्री की पानी देने के नाम पर जो सरकार चुनकर आई वो फ्री का पानी तो क्या देगी, कैसा भी पानी नहीं मिल रहा। हाँ पानी आता है, बरसात में आता है, जो आफत बनकर लोगों के घरों और दुकानों में घुस जाता। मैं बात करना चाहूँगा अभी आपके सामने ही दिल्ली जल बोर्ड के जो आशीष जी हैं या एक्शन हैं, क्योंकि मंजीत सिंह जो जेई है वो तो किसी का फ़ोन उठाता ही नहीं है। प्रयास करता हूँ यदि बात हो जाती है तो आप देखिए क्या प्रतिक्रिया आती है। समस्या ये है कि लोग आखिर जाएं कहाँ, विधायक यहाँ बैठता नहीं, उसके लोगों को कॉलोनी कटवाने से फुर्सत नहीं, लोगों को परेशानी है, पानी की पीने के पानी की परेशानी है, बिजली की परेशानी है, सड़क पर पानी भर जाता है उसकी परेशानी है, एडमिशन्स कोरोना काल में लोगों में पैसा नहीं रहा, सरकारी स्कूलों में एडमिशन की परेशानी है, कहीं राशन की परेशानी है, आखिर इस नजफगढ़ के लोगों का कसूर क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। पानी होता है जल भरा हो जाता है, नलों में पानी नहीं आता, अधिकारी कोई फ़ोन नहीं उठाते। देखिए सर, एक्शन साहब को मिलाया, आशीष जी को मिलाया, किसी का फ़ोन नहीं उठा। बहरहाल हम तो संबंधित अधिकारियों से गुजारिश कर सकते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। आपके इलाके में पानी कैसा आता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। News 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।